इंदौर पहुंच गए हैं। काफ़ी एक घंटे का फ्लाइट था वहाँ से। अभी बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। इस एयरपोर्ट पे 10 साल पहले आए थे। लुक एट दिस एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है बट बिजी एयरपोर्ट है। मंदिर है यहाँ का, लेकिन बदल गया 13-14 साल में, बहुत बदल गया। नया आदमी बोला पड़ गया, मतलब छूट नहीं पड़े उनको। हाँ सही बात, कोई नहीं पड़ रही सभी तो सड़क इधर से उधर उधर से उधर बिल्कुल बंद है, तो समझ में नहीं आता। ये जब हम पढ़ते तो ये बिल्डिंग ऐसे खाली थी, आईटी पार्क बनने वाला था बट ऐसे खाली थी, बट अब देखो पूरा चमक गया है। कॉफ़ी हाउस खुला है, हमारे समय ही खुल रहा था। कैंपस के अंदर का है, यही हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है, कैंपस के अंदर का है वो, ये हमारी यूनिवर्सिटी गेट है और इसके जस्ट अपोजिट इधर है। हमारे प्रोफेसर साहब सामने ही हैं, हम चाय पी रहे हैं। क्या सर जी, मार्ग वाले कैंपस चल गया मेरे लगता है। अच्छा एकदम दिख भी रहा है, चेक चेक तो ठीक है। आप कैसे हैं? बहुत है, तुम ये आधे अधूरे क्यों आए हो? नहीं है ये आपके लिए। ओह भाई थोड़ा कम खाइएगा, बिटिया के लिए ज्यादा है। हमारे सर हैं, अभी भी वाइफ को जान ही बुलाते हैं। तो जब बाहर की जान बुला रहे तो अंदर तो बुलाना पड़ेगा। अंदर सर जब ज्वाइन किए थे तो हमारा पहला बैच था, नहीं सर पहला बैच था सर का, जब हमें जो हम मास्टर्स में जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए थे, काफ़ी शानदार था जो। मज़ा आता था, बड़ी मज़ा आता था, शानदार है ना। हवा अच्छी चल रही है, इंदौर का मौसम, इंदौर तो ऑलवेज सर 1969 तक हिल स्टेशन हुआ करता था। 1969 तक हिल स्टेशन? अच्छा हिल स्टेशन था मतलब। अच्छा अच्छा मैं ये बता दूं कि धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं पहले मुझे हार्ट अटैक आ चुका 5 दिसंबर को, उसका स्टेंट डलिए बस स्टेंट। अरे कोविड का बूस्टर डोज लगवाना चाहता था, चुनाव ड्यूटी लग गई, पीछे लग गए यार, क्या लगाना जरूरी है। क्या है 3 डोज सफिशियंट है बिना कोविड के, ओवरऑल वो 4 डोज हो गए, तो एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो के ब्लॉक कर रहे हैं लोग। आपको मिला के मेरे 3 जो लोग हैं उनको हो गया। गुरुदेव है, सिंधी मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे वो खाएंगे। तू सिंधी मार्केट का खा के ना बीमार मत हो जाना। गोलगप्पा खाऊंगा बस। ये प्राग में सबसे गंदा है कि 8 महीना ठंडा है, 6 महीना रहता है। ये देखो यहाँ क्या प्लीजेंट वेदर है इंदौर में, जवानी के दिन याद आ गया सर। ये हमारा कैंटीन हुआ करता था, बहुत शानदार सर जी। तो बहुत अच्छा, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यही लैब हमारा हुआ करता था। और एक सर वो पीएचडी थे ना वो, करते थे। अभी आपकी लैब है क्या ये? अच्छा बहुत सही, ये तो मेरे को लगता है पीसीआर था तभी भी। इतना शानदार समय इस लैब में हमने गुजारा है, 1 साल प्रोजेक्ट का, और अभी ओह पसीना लगा लगा के। अभी हमने क्या करा, ये तुम्हारे टाइम तक नहीं बनी थी बिल्डिंग? ये हमारे टाइम बन, हमारे बाद ही बनी है सर ये वाली पार्ट। लगता है कि अच्छा खासा एक्सटेंशन हुआ है ये तो। अच्छा इसमें भी लैब है? ये भी लैब है, उसके पास भी ऐसी कैसी लैब है। जो 14 साल पहले लैब का स्मेल था ना, वही स्मेल आ रहा है, उसी को चेंज करना चाह रहे हो। ऑटोक्लेव, यही था हमारे समय, खूब ऑटोक्लेव किया है हमने इसको यूज करके। हमने सर यहाँ पे जब अपन प्रोजेक्ट करते थे तो हफ्ते में 7-7 दिन काम किया, 10 बजे 11 बजे तक भी काम किया तब, हमारा फर्स्ट ईयर का सर एक्सपेरिमेंट होता था इसी लैब में। सारी कहानियां हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे सर। ये हमारा कंप्यूटर लैब, तो सर सारा सिस्टम लगभग फंक्शनिंग होगा, लेकिन कंप्यूटर हमारे समय का ही है। हाँ ये जो पार्ट है ये एक्सटेंशन है, हमारे समय बस ऐसे चारों तरफ था। बहुत सारे प्रोजेक्ट और इसमें बहुत सारा कुछ हमने लिया, इसको कहते हैं ना सर रिजुविनेशन, वो टाइप का फील हो रहा है सर। एक क्लासरूम हमारा था, ये हमारा क्लासरूम है, वाह
इस बेंच पे मैं बैठता था। तो ये बेंच है जिस पे बैठ के मैंने 2 साल फर्स्ट ईयर का तो इसी में था, 1 साल पढ़ाई की है। सर यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन दो दो दिया है, एक प्रेजेंटेशन आपने ही लिया था राइबो स्विच पे, राइबो स्विच टॉपिक भी नया था उसमें। बहुत नया टॉपिक था, बहुत ही नया टॉपिक। तो ये हमारा सेकंड ईयर का क्लास था, वो पहला जो क्लासरूम था फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड ईयर का क्लास था। हेड सर ने भी बहुत क्लास ली है, आपने भी इसमें हमारा बहुत सारा क्लासेस लिए बहुत बहुत। इसमें बस एक सोफा ऐड हुआ है, बाकी सब चीज़ें मोरलेस वही हैं। ये हमारे समय भी ये सजेशन बॉक्स था, लेकिन पता है इसमें क्या है सजेशन? हमारा जब रैगिंग आप मतलब इंट्रो बोलो होता था, तो हमारे बैच के किसी ने लिख दिया था कि बहुत रिगरस रैगिंग हो रहा है, तो हेड सर ने बुला लिया था कि क्या हो रहा है आप लोग ले रहे हो, हमारे सीनियर्स को बुला लिया था, फिर हमारे सीनियर्स ने हमारी क्लास ली थी। तो हमारा स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत समय अच्छा गुजरा है हमारे जीवन का यहाँ पे। शालॉ यूनिवर्सिटी हॉस्टल घूमा है। तो इसमें क्रिकेट खेला हमने, इस ग्राउंड में बहुत सारा क्रिकेट खेला। ये वो हॉस्टल है जहाँ हमने 2 साल गुजारा यूनिवर्सिटी में। रूम नंबर 27, पता नहीं लगा हुआ है कि नहीं। हाँ भाई, ये तुम्हारे सीनियर थे तो इस रूम में रहते थे, मिलना है। यही कमरा था हमारा, वो हमारा बेड था, तो उसको इधर क्यों कर लिया? उधर तो बहुत अच्छा हवा है सर, मेरे कमरे में सब रहते थे सर, कि उधर से हवा आती थी, सबसे बेस्ट लोकेशन, मेरा टेबल वहाँ हुआ करता था और हवा बहुत अच्छा आता है। कौन से डिपार्टमेंट तुम? SCSIT कंप्यूटर साइंस। और वो मेरा कवर था उस तरफ वाला, इधर से रहते वगैरह। बड़ा रूममेट वैसे करके दे रहे हैं क्या, नाम मिला के? इसका नाम अनमोल है, इसका अनुराग है। चलो बहुत बढ़िया, गुड लक। ये साइकिल था, उसमें सुशील रहते थे, सुशील नेहरा, साइंटिस्ट IIT जी मुंबई है ना अभी। अच्छा, छुट्टी का टाइम है, अभी छुट्टी का टाइम है इसलिए। जितनी है सबके पेपर चल रहे हैं सबके। अच्छा अच्छा, 14-15 साल में बहुत बदलाव आया है सर भारत, 13 साल में। गप्पे खाने आए हैं, दही वाले, दही वाला लगा देना। हाँ, एक प्लेट। हाँ, दस साल बाद आते हैं खाने। हाँ, मार्केट है यहाँ, बेस्ट गोलगप्पे मिलते हैं, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा समय बीता। हमें बड़ी अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और समय लेकर के पूरे परिवार के साथ पधारे, धन्यवाद। मेनका का आना ड्यू है, और इंदौर के वहां ही देरी रहे। बहुत बहुत जरूर जरूर। मैडम के हाथ का खाना हमेशा की तरह बहुत शानदार था, खाना मेनका अच्छा बना दिया। अब बोलना ही पड़ेगा, घर भी घर में आके जूते खाने पड़ते हैं। चले आओ जल्दी से आओ। थैंक यू, थैंक यू यार, वाह यार, अच्छा स्टे रहा इंदौर में। अब जा रहे हैं दिल्ली के लिए बोर्डिंग करने, फ्लाइट पे 11:45 में फ्लाइट है, 12:30 में पहुंचेंगे दिल्ली। कल ही की फ्लाइट है रात में इंडिया के लिए, सॉरी प्राग के लिए। चल के अब बोर्डिंग करते हैं। मज़ा आया इंदौर में, काफ़ी अच्छा समय बीता सर के साथ, फैमिली के साथ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यूनिवर्सिटी भी गए अपन, कैंपस भी गए, 5 घंटे का हमारा ले ओवर था, और आई थिंक ये इसको हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।